पौधे लगाने में ना करें गलतियाँ। पॉजिटिव की जगह घर में भर जाएगी निगेटिव एनर्जी। वास्तु के अनुसार पौधे घर में लगाने से शुभ होता है, लेकिन किन पौधे को घर में लगाएं और कौन सा नहीं लगाएं इसके बारे में तो आप जानते ही नहीं। कुछ पौधे घर के लिए बहुत अशुभ होते हैं। इनका घर में होना कई मुसीबतों को बुलावा देना है। ये पौधे घर को नकारात्मकता से भर देते हैं और ढेरों समस्याओं का कारण बनते हैं। लिहाजा घर में इन पौधों को गलती से भी ना लगाएं, वरना दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा पौधा हमारे लिए शुभ है और कौन सा हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। घर में कपास का पौधा लगाने की गलती ना करें। ये देखने में भले ही सुंदर लगे, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे घर के लिए बहुत अशुभ माना गया है। कांटेदार प्लांट घर में कभी भी ना लगाएं। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और घर की सुख शांति को तबाह कर देते हैं। घर के लोगों की तरक्की में बाधा बनते हैं, मानसिक तनाव देते हैं। बोनसाई प्लांट तरक्की रोकते हैं, कामों में रुकावट डालते हैं, व्यापार में मंदी लाते हैं। इसीलिए घर में कभी भी बोनसाई प्लांट ना रखें। इमली आंवले को घर के अंदर ही नहीं बल्कि घर के सामने भी नहीं लगाना चाहिए। मेहंदी का पौधा, मेहंदी के पौधे पर नकारात्मक शक्तियों का वास माना जाता है, इसीलिए इन्हें भी घर में कभी ना लगाएं। यदि मानसिक शांति और सुकून चाहते हैं, तो इन पौधों को घर में लगाने से बचें। ध्यान रहे, अगर आप भी पेड़ और पौधे लगाने के शौकीन हैं, तो वीडियो में बताए गए पौधे को भूल कर भी ना लगाएं, नहीं तो यह आपके लिए दुर्भाग्य के सिवाय कुछ नहीं लाएगा। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, इसे शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।